सबसे पहले हमारे पास है काउंट। काउंट मतलब नंबर को काउंट करना, जैसे हमारे पास अमाउंट है तो हमारे पास कितने सेल के अंदर अमाउंट है, तो हमारा क्या करेगा, काउंट करेगा ओनली नंबर को काउंट। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, काउंट फंक्शन को यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे COUNT और क्या करेंगे टैब से, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे ताकि मेरा फंक्शन जो यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। अभी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू 1, 2, 3, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मेरा मुझे जो नंबर काउंट करने हैं, चाहे वो मेरे कंप्यूटर के सब्जेक्ट के मार्क्स के नंबर हों, पर मैं सिर्फ अमाउंट में चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो ये बता रहा है कि यहाँ पर 7 सेल में मेरे पास अमाउंट है। तो इसने क्या करा, काउंट फंक्शन ने क्या करा, नंबर को काउंट कर लिया। यहाँ पर कितने नंबर हैं टोटल, टोटल जो नंबर आपके दिए हुए हैं वो हमारे पास 7 है। यहाँ पे आपने यदि यहाँ से कोई नंबर डिलीट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे अपने आप ही 6 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि काउंट का जो मीनिंग है वो नंबर को काउंट करेगा सिर्फ कि इन किस किस सेल में आपने नंबर दे रखे, कितने सेल में है वो, तो सेल की संख्या काउंट करके दिखाएगा आपको। ये 7 सेल के अंदर क्या है हमारे पास, यहाँ पे नंबर है हमारे पास। उसने क्या करा, यहाँ पे नंबर को काउंट कर दिया कि आपके पास जो आपने रेंज जो सेलेक्ट की है, जो कॉलम सेलेक्ट किया उसके अंदर 7 सेल के अंदर क्या है, नंबर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर यही मैं कोई अमाउंट ऊपर डाल देता हूँ दोबारा से, तो ये अपने आप नीचे जो है 7 में क्या है कन्वर्ट होकर में दिख जाएगा। तो ये हमारा होता है काउंट। काउंट क्या करता है, ओनली नंबर को काउंट करेगा। अगला हम फंक्शन देखते हैं काउंट ए। काउंट ए क्या करता है कि काउंट ए आपके टेक्स्ट को भी काउंट करेगा और नंबर को भी काउंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ नीचे आया और यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल काउंट ए। क्या करेंगे, टैब की से फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं हम इस फंक्शन पे। अभी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखना मैंने क्या किया, इस बार सिटी के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और मैंने एंटर किया, 7 दिखा रहा है, 7 आ गया हमारे यहाँ पे। क्यों, काउंट ए फंक्शन का जो उद्देश्य है वो टेक्स्ट को काउंट भी करता है, नंबर को भी करता है, ये दोनों को ही करेगा, ये टेक्स्ट को भी काउंट करेगा और आपके नंबर को भी करेगा। इधर देखते हैं, अब हम इधर लगाता हूँ दोबारा से काउंट ए। इस बार मैंने क्या करा, अपने नंबर की जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ भी ये 7 ही दिखाएगा आपको। काउंट फंक्शन तो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, काउंट ए टेक्स्ट और नंबर दोनों को ही काउंट करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पे ए भी लिख दिया, तो क्या हुआ, नीचे ऊपर देखिए जो काउंट था उसमें 6 हो गए, परंतु काउंट ए तो 7 ही है ना। दीदी काउंट क्या कर रहा है कि आपके नंबर और टेक्स्ट दोनों को उठा रहा है, दोनों काउंट कर रहा है, परंतु काउंट सिर्फ नंबर को कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट आ गया। इसमें 3 सेल में ऊपर नंबर है हमारे पास और 3 ही सेल में नीचे है, तो इसने क्या करा, वहां से काउंट में जरूर बदलाव आएगा पर काउंट ए में चाहे आपके नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट कर लेगा, परंतु काउंट सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा, वो टेक्स्ट को छोड़ देगा। जैसे यहाँ पर हमारा काउंट फार्मूला लगा हुआ था, उसने क्या करा, यहाँ से ए बी को छोड़ दिया और बाकी जो नंबर मिल गए उसे उनको काउंट करके हमारे सामने इसने ला के दिखा दिया हमें। उसके बाद हमारे पास है काउंट इफ। काउंट ओनली आइटम इन लिस्ट, यानी कि हमें बड़ी लिस्ट है, 1000-2000 आइटम मेरे पास हैं, 500 हो सकते हैं, कोई भी जितने भी आइटम हैं, हमें ये चेक करना है कि इस लिस्ट में वो आइटम कितनी बार हैं, मतलब कितने हैं उस लिस्ट के अंदर, वो टोटल कितने हैं, हमें ये काउंट करना है। काउंट मतलब गिनना होता है, वो काउंट करके दिखाएगा हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक। अब हम चेक करना चाह रहे हैं किसको, प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से यहाँ लिखेंगे इक्वल काउंट इफ, नीचे आओ काउंट इफ, टैब से सेलेक्ट किया फंक्शन, रेंज क्या है, रेंज आपकी है ये, हमें चेक क्या करना, क्राइटेरिया पूछ रहा है हमसे। देखो नीचे पैरामीटर जो पूछा गया है सेकंड, इसमें क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, रेंज तो होगी, रेंज रेंज मतलब कंप्लीट रेंज, जहां तक हमें जो चीज निकालनी है वो तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया मुझे क्या निकालना, लैपटॉप चेक करने कितने हैं, तो अपना आप डबल कोटेशन में लैपटॉप का आप नाम यहाँ पे टाइप कर दें, लैपटॉप, स्पेलिंग का ध्यान रखें, स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो नहीं दिखाएगा, लैपटॉप और डबल कोटेशन बंद, ब्रैकेट क्लोजर, एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 हमें दिखा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप यहाँ पे इंसर्ट कराया तो यहाँ पे हमें 0 दिखा रहा है। इसके बाद वहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है 0 दिखा देता है। मैं प्रोडक्ट का नेम ऊपर ले रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ से मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, सेम बिल्कुल, हम लिखते नहीं है इस बार अलग से, इसको हम नीचे काउंट करेंगे। यहाँ पे हमें लिखा इक्वल काउंट इफ, एरो से नीचे आए और टैब की से सेलेक्ट कर लिया फंक्शन को,
रेंज आपने सेलेक्ट कर ली है, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है आपका, लैपटॉप, तो इसको ओके कीजिए। आ गया ना बने यहाँ पे, क्योंकि लैपटॉप इसमें दो हैं वैसे, इसका फॉर्मेट अलग है थोड़ा, इसका अलग है, जो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके क्या करो, फ्रंट पेंटर पे जाओ और यहाँ पे इसको भी इसके जैसा ही कर दो, तो ये अपने आप जो है ये नहीं हुआ, तो इसको हम यहाँ पे बदलते हैं नाम। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे कॉपी करेंगे और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो दो लैपटॉप हो गए हमारे पास, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर वो सेम लैपटॉप नहीं लिखा होगा, कोई स्पेस भी होगा तो उसे नहीं दिखाएगा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे लैपटॉप की जगह में कोई और आइटम का नाम डालता हूँ, हमने यहाँ पे टाइप किया माउस, तो हमें ना माउस की संख्या दिखा देगा, कितने माउस है मेरे पास, एक है। तो अब मैं यहाँ पे डायनेमिक की उस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे टाइप करता रहूँगा और मुझे क्या करेगा, ये फटाफट जो मेरे पास आइटम में जो लिस्ट है उसमें से दिखाता रहेगा अपने आप ही। प्रिंटर एक है इसमें मेरे पास, देखो एक दिखा दिया इसने। अब मान लो इस प्रिंटर को हमने कॉपी करके मैंने दूसरी जगह मॉनिटर की जगह इसको पेस्ट कर दिया, तो अपने आप ही दो में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास कितने, अब हमारे पास जो प्रिंटर हैं, अब क्या है उनकी संख्या, हमारे पास दो है। तो काउंट इफ क्या करता है, एक लिस्ट के अंदर से एक नाम को चेक करना, कितनी बार हुआ उसमें रिपीट है, कितने टाइम उस लिस्ट के अंदर वो आ रहा है, इस कॉलम में कितने टाइम वो आ रहा है, उसके लिए हमें क्या करा, काउंट इफ का हम प्रयोग करते हैं जब हमें एक आइटम को चेक करना हो। इसके माध्यम से आप एब्सेंट प्रेजेंट भी काउंट कर सकते हो, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, एब्सेंट प्रेजेंट भी काउंट की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं आगे, अगला हमारे पास है काउंट इफ्स, काउंट द आइटम मल्टीपल क्राइटेरिया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रिंटर है जगदीश है ना, कि जगदीश ने कितने प्रिंटर सेल किए, मैं वो काउंट करना चाह रहा हूँ। तो वो ना कुछ दो क्राइटेरिया हमारे पास, अब एक प्रिंटर भी दिया हुआ है और एक जगदीश भी है, तो सेलमैन का नाम भी है, तो यहाँ पे काउंट इफ चलेगा। अब एक के लिए काउंट इफ, जब मल्टीपल क्राइटेरिया दिया होगा तो उसके लिए काउंट इफ्स, इक्वल लिखेंगे, काउंट इफ्स पे हम आएंगे, एरो की प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे, टैब से इसको इंसर्ट करा देंगे अपने कीबोर्ड के द्वारा। अब इसमें थोड़ा अलग है, ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब है ये वाला रेंज, मतलब प्रोडक्ट आपका कहाँ दिया हुआ है, मेरा क्राइटेरिया वन क्या है, प्रिंटर है, तो पहले उसकी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कंप्लीट कॉमा लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्राइटेरिया वन आ गया, क्राइटेरिया वन क्या है, मेरा प्रिंटर है, फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, तो जगदीश का जो नाम है सेलमैन का, वो रेंज कहाँ है, उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्या है मेरे पास, जगदीश है, जगदीश ने कितने सेल किए, अब जैसे ही एंटर करता हूँ तो उनकी जो संख्या है मुझे काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा, देखो ये हो गया। तो जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट्स इफ्स का प्रयोग होता है। काउंट का मतलब नंबर को काउंट करना, काउंट का मतलब नंबर टाइप दोनों को काउंट करना, काउंट इफ का मतलब एक आइटम को काउंट करना अपने लिस्ट के अंदर से। जब मल्टीपल क्राइटेरिया मुझे दिए हैं तो उसके लिए काउंट इफ्स चलता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या काउंट इफ्स का करके देख लिया है। अब मान लीजिए मुझे सिटी वाइज भी चेक करना है, यहाँ पे मैं दिल्ली को कॉपी कर लेता हूँ, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जगदीश ने दिल्ली शहर के अंदर कितने प्रिंटर सेल किए हैं, तो मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं, तो उसको मैं इसके नीचे काउंट करता हूँ, लिखेंगे इक्वल काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब है जो प्रोडक्ट रेंज कहाँ है ये वाली, तो प्रिंटर की रेंज तो यही है प्रोडक्ट की, हमें क्या करा कॉमा लगाया, क्राइटेरिया वन पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया वन क्या, मेरा प्रिंटर है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, तो क्राइटेरिया टू में क्या, जगदीश है, तो जगदीश वाली जो सेलमैन के नाम है उस रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, फिर सेल्समैन का नाम जगदीश, कॉमा। अब कह रहा क्राइटेरिया रेंज थ्री, सिटी वाली रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे, दिल्ली, और ओके कर दो। यहाँ पे भी आपको एक ही दिखाया क्योंकि प्रिंटर जगदीश ने दिल्ली के अंदर एक सेल किया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मानो प्रिंटर, इन चीज़ों को मैं कॉपी करके अगर मानो मैं ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही चेंज करके दिखा देगा, यहाँ पे दो हो गए ये देखिए, क्योंकि दो जगह प्रिंटर आ रहा है, हो सकता है जगदीश ने अलग अलग डेट को प्रिंटर सेल किए हों, तो इसने क्या करा, इस महीने के अंदर जगदीश ने दो प्रिंटर सेल किए, तो यहाँ पे ये काउंट इफ्स फंक्शन हम तब प्रयोग करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया दिए होते हैं। तो काउंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से हम एवरेज भी निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास है एवरेज, एवरेज क्या करता है, इसको हम छोटे एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ
कुछ नंबर हैं, ये कुछ मार्क्स हैं मेरे पास, मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने का मतलब होता है पहले टोटल को, इन तीनों सब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम, तीनों नंबर को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे तीन से। तो देखो हम इक्वल लिखेंगे, मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया और इस रेंज को आप बस सेलेक्ट कर लो, ये अपने आप ही क्या करेगा, टोटल भी कर देगा, टोटल करने के बाद इसे तीन से डिवाइड भी कर देगा। ये एवरेज आपकी 33 point something कुछ एवरेज निकल के हमारी आ रही है यहाँ पे, जो एवरेज हमारी वो इस तरह निकल के आई है। तो एवरेज जो होती है वो टोटल नंबर के हिसाब से हमें निकाल के दिखाएगा। एवरेज जो फंक्शन काम कर रहा है टू कैलकुलेट द एवरेज ओनली नंबर, उसने देखा जो एवरेज फंक्शन चला यहाँ पे, उसने सिर्फ क्या करा, यहाँ से जो मार्क्स थे हमारे पास उसकी इसने एवरेज निकाल के हमें यहाँ से दिखा दी है। एक है एवरेज इफ, सपोज करो बच्चा यहाँ पे कोई एबसेंट हो गया, मैं इसको पूरा एक मार्क्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ सभी को ताकि समझने में आसानी रहे हमें। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मार्क्स का एक कॉलम है, मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स में क्या है 45, 60, 30 और यहाँ पे एबसेंट भी रहा है बच्चा, एक सब्जेक्ट में एबसेंट हो गया। पहले हम निकालेंगे एवरेज फंक्शन, दोबारा देखते हैं, हमने कहा इक्वल AVERAGE एवरेज, डबल क्लिक करेंगे फंक्शन पे और इंसर्ट हो जाएगा हमारा फंक्शन। पहले मैं इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कीजिए, ये 45 आ रहा है आंसर। इसने एवरेज ने क्या करा है, इसको छोड़ दिया है, इन तीन का सम निकाला है। और देखो सम चेक करने के लिए मैंने आपको कल मेथड बताया था कि आप यहाँ नीचे आएंगे तो 135 आ रहा है, आप 135 को तीन से डिवाइड करो, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, 45 आ गया। इसने इसको छोड़ दिया है, ये एवरेज सिर्फ नंबर को लिया है, टेस्ट को नहीं लिया है। परंतु एक होता है एवरेज ए, कैलकुलेट द एवरेज नंबर एंड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट और नंबर काउंट कर लेगा। इसको ये चार सब्जेक्ट मान लेगा, जैसे एब्सेंट रहा है इसको चार सब्जेक्ट मान लेगा, जितने टोटल होंगे जो 135 यहाँ दिखा रहा है नीचे हमें, इसको चार से डिवाइड कर देगा तो एवरेज कम हो जाएगी इसकी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल एवरेज ए, वैल्यू क्या है मेरी, तो वैल्यूज मेरे पास ये रेंज है, हमने चारों सब्जेक्ट कर लिए सेल, एक एब्सेंट और तीन नंबर है यहाँ पे, ब्रैकेट को करा के लो, जरा एंटर कर दीजिए। तो देखो 33.75 आ रहा है इस बार, क्योंकि इसने 135 जो हमारे पास नंबर थे इसको ना इस बार चार सब्जेक्ट से डिवाइड करा है, ये एवरेज का मीनिंग है यहाँ पे। एवरेज क्या करता है, नंबर के अकॉर्डिंग करेगा, उसमें वो टेस्ट को नहीं लेगा। अरे एवरेज ए क्या कर रहा है, चार सब्जेक्ट मान रहा है, बेसक यहाँ पे टेस्ट दिया, परंतु जो सम आ रहा है उसको चार से डिवाइड कर रहा है, तो कभी तो इतना आया पाया हमारा। उसके बाद अब हम देखते हैं एवरेज इफ, एवरेज इफ का मतलब होता है कि एक आइटम की आपको इस लिस्ट में से एवरेज चेक करनी है कि उसकी एवरेज कितनी निकल के आएगी। तो हम यहाँ पे एवरेज इफ का प्रयोग कर रहा हूँ मैं नीचे, और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैं प्रिंटर की एवरेज निकालूँ, मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रिंटर की मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ। इसको हम कॉपी करके मैं इसको इधर ले आता हूँ, अब देखो मुझे प्रिंटर की एवरेज निकालनी है काउंट इफ का प्रयोग करके। इस लिस्ट में ये चेक करना है कि जो प्रिंटर जो हमारे सेल हुए हैं टोटल, तो अमाउंट इनकी इधर दे रखी है हमें, दो प्रिंटर इधर हैं, तो क्या करेगा पहले इन दो को जोड़ेगा, कितना आ रहा है 3500 को किससे काट डिवाइड करेगा, फिर दो से काट देगा, तो जो भी अमाउंट हमारे पास आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो जब हमें एक आइटम की एवरेज निकालनी है तो उसके लिए एवरेज इफ लगाया जाता है। हम यहाँ पे आए और मैंने लिखा इक्वल एवरेज इफ, एवरेज इफ, एवरेज इफ में रेंज पूछ रहा है आपकी, जो रेंज है तो रेंज में आप क्या करें, इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे सम भी लेना है पीछे से। रेंज मैंने कल भी आपको बताया था कि सम के अंदर जब रेंज की जाती है तो हमेशा कंप्लीट टेबल ही हम सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा है प्रिंटर, क्योंकि इसी की एवरेज निकालनी है मुझे, तो कॉमा लगाया। एवरेज की रेंज, जहाँ से एवरेज निकालनी है वो रेंज कहाँ है, तो अमाउंट वाला जो कॉलम आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अमाउंट मुझे यहीं दिया हुआ है इनका, इसे कर दीजिए आप एंटर। तो आपकी जो है 16,666.7 आपकी जो है एवरेज निकल के आ रही है, क्योंकि दो प्रिंटर सेल हुए हैं, दोनों को उसने क्या करा, पहले उनके अमाउंट को सम करा फिर उसको दो से डिवाइड कर दिया, तो आपका यहाँ पर क्या है एवरेज निकल के यहाँ पे आ चुकी है। तो
इस प्रकार से हम एक आइटम की एवरेज हम चेक कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। जब भी मैं आप किसी आइटम का नाम चेंज करता हूँ, जैसे हमने आप लैपटॉप लिखा, मैं आप लैपटॉप राइट करता हूँ इस सेल के अंदर, लैपटॉप की स्पेलिंग यहाँ पे शायद गलत है, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। देखो लैपटॉप यहाँ पर कितना एक है ना मेरे पास, यहाँ पे 20,000 का दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे ये है तो सही एक लैपटॉप, पर यहाँ पे ना ए भी दिखा रखा है। इसको मान लो मैंने अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करा दिया 20,000, और तो 20 और 20 कितने हो गए 40,000, और 40 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 20 ही तो आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे ना आप जिसकी एवरेज आपको निकालनी है डायनेमिक के लिए, यहाँ पर उसका इस सेल के अंदर आप नाम टाइप करते रहें, तो यहीं पर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी कितनी एवरेज है। तो इस प्रकार से आप एवरेज इफ का प्रयोग करके आप यहाँ पर उसकी एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारे पास जो मेथड है अब है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स पता है कि हमें हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज होता है। मैंने इसमें सेलमैन का नाम ले लेता हूं, मैं सिटी और सेलमैन दो चीज और कॉपी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक साथ मेरे पास तीन क्राइटेरिया रहेंगे, और यहां से हमने मोहन और गुरुग्राम को मैंने यहां से कॉपी करके इधर यहाँ पे इनकी एवरेज निकालनी है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूं, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालनी है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं इस बार, तो यहां पे हमारा क्या यूज होगा फंक्शन सम, यहां पे एवरेज इफ्स होगा ना, एवरेज इफ्स तो हम यूज करते हैं, एवरेज इफ्स चलेगा। इसको उठा के हम इधर यहां पे सेट कर देते हैं, इसको मैं इधर ले लेता हूं, कहीं भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, हमारा फंक्शन तो हो ही चुका है, सही से कहीं रहने दो, नीचे रख लो। अब यहां पे आ जाओ नीचे इधर, अब निकालेंगे हम एवरेज इफ्स। तो मल्टीपल क्राइटेरिया में माउस भी है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि मोहन ने माउस जो गुरुग्राम में सेल किए हैं उसकी एवरेज निकल के आ जाए, मोहन ने माउस गुरुग्राम में कितने सेल किए हैं उसकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एक औसत निकालना चाह रहे हैं कि उसने कितने तक औसत निकल के आ रही है उस व्यक्ति की। इक्वल लिखा एवरेज इप्स, एवरेज इप्स ये रहा। इसमें थोड़ा अंतर है इसके पैरामीटर में, इसमें एवरेज रेंज पहले सेलेक्ट करनी होगी। एवरेज का मतलब है कि आपको अमाउंट उसमें पहले सेलेक्ट करना होगा, एवरेज का मतलब है कि जहाँ से एवरेज निकालनी है हमें वो पहले सेलेक्ट करनी होगी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज मतलब है कि प्रोडक्ट, ये रहे मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट, कॉमा फिर क्राइटेरिया वन क्या मेरा माउस है, कॉमा फिर पूछा क्राइटेरिया रेंज टू क्या है सेलमैन के नेम, तो सेलमैन के जो नाम की जो लिस्ट दे रखी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे उस रेंज को, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या पास देखना है उसमें मुझे सेलमैन का नाम मोहन, कॉमा क्राइटेरिया रेंज थ्री, ये बढ़ती जा रही है लिस्ट। क्राइटेरिया रेंज थ्री पे हम आए, तो क्राइटेरिया रेंज थ्री में क्या है आपके सिटी के नाम है, कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया थ्री में पूछ रहा है क्राइटेरिया थ्री क्या है आपका, तो क्राइटेरिया थ्री मेरा है गुरुग्राम, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इसको हम कर देंगे एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोहन ने जो माउस है वो 10,000 का ही सेल किया, क्योंकि एक है तो एक को आप एक से डिवाइड करेंगे तो 10,000 ही आएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं एवरेज इप्स का प्रयोग करके मल्टीपल जब हमें क्राइटेरिया दे रखे हैं तो वहां पर हमारा एवरेज इप्स का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं हमारे पास अगले जो ऑप्शन है लोअर करना, अपर, प्रॉपर। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम है, जैसे जनरली हम कई बार टाइप कर देते हैं श्याम, मोहन, रोहन, नेम की लिस्ट है हमारे पास, मैं इसे बॉर्डर दे देता हूं। अब हमें इन्हें कन्वर्ट करना है लोअर केस में, ये ना पहले से ही क्या है मेरे पास, ये जो नाम है लोअर केस में ही है, पहले से ऑलरेडी क्या है लोअर केस में, तो इनको हम यहाँ पे मैं लोअर ऊपर राइट कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और लोअर LOWR लोअर टैब सेलेक्ट करेंगे इस टेक्स्ट को और कर दीजिए एंटर। इसको आपको क्या करना नीचे ड्रैग कर देना है, तो आपके लोअर तो ऑलरेडी थे ही वो पहले से ही, तो वो क्या हुआ लोअर केस में वो कन्वर्ट हो गए सारे सारे टेक्स्ट। कई बार क्या होता है हमारे पास कोई लिस्ट आ जाती है गलती से, उसमें जो नाम थे वो छोटे अक्षर में टाइप हो गए और हम चाह रहे हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है उनको हमें, तो हम क्या करेंगे इधर यहाँ पे मैं अपर लिखता हूँ ऊपर हेडिंग में अपर, और नीचे क्या लगना अपर का ही आपको फंक्शन इंसर्ट कर देना है इधर UPPR अपर,
और टैब से इसको इंसर्ट कराएंगे और क्या करेंगे, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट किया और एंटर। देखो ये नाम जो है किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, किसमें हो गया कन्वर्ट, बड़े लेटर में आ गए सारे के सारे। दूसरा है कि आप चाह रहे हैं कि पहला अक्षर बड़ा हो बाकी सब छोटे हो, मतलब जो प्रोफेशनल जो तरीका होता है वैसे तो वो वही होता है कि पहला अक्षर बड़ा होता है बाकी सब छोटे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि डेटा हमारा किस प्रकार का मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा चलेगा प्रॉपर केस, प्रॉपर यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल और प्रॉपर केस, प्रॉपर को हम सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक से और एक टेक्स्ट को किसी को भी आप सिलेक्ट कर लो और इसे कर दो एंटर। तो ये देखिए पहला अक्षर में हमारा जो है जो टेक्स्ट है वो सिंबल लेटर से क्या है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है। या हो सकता है कि आप कैपिटल से प्रॉपर में कर सकते हैं, प्रॉपर से लोअर में कर सकते हैं, लोअर से अपर में कर सकते हैं। तीनों मेथड आपके बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही काम की चीज़ है ये, क्योंकि कई बार हमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ डेटा हमारे पास करना पड़ सकता है या किसी और यूज़र का डेटा हमारे पास आया है उसको हमें प्रॉपर एक रिपोर्ट के लिए डिज़ाइन करना है प्रोफेशनल तरीके से, तो हमारे पास हमारे मेथड काम आएंगे। परंतु आपको दिक्कत कहाँ जाएगी उसमें, सपोज करो ये नाम तो मुझे हटाने पड़ेंगे ना यहाँ से, तो ये तो हटाने हैं मुझे। अगर मान लो आप इन्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, अब मैंने देखो कॉपी किया और मैं जैसे यहाँ एंटर करूँगा तो हट जाएंगे, आपने देखा सब कुछ हट चुका, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की प्रॉब्लम हमें आती है तो उसके लिए एक समाधान है, क्या करेंगे इसको आप कॉपी करो। कल मैंने आपको पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन बताया था पेस्ट वैल्यू, जो हमारे क्या करता है फॉर्मूले को हटा देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और 1 2 3 आप जैसे क्लिक करेंगे जो आपके नाम यहाँ पे जो आपने फार्मूले से निकाले हैं वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। पेस्ट वैल्यू ऑप्शन सबसे पावरफुल ऑप्शन है हमारा, क्योंकि कई बार कुछ फंक्शन से हम किसी को कन्वर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ से वो फंक्शन आ जाए सिर्फ उसकी वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए आपका पेस्ट वैल्यू ऑप्शन आपको प्रयोग करना होगा, जो भी आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। दोबारा देखते हैं फिर से एक बार, मान लो ये नाम मुझे यहाँ से कट करके और मुझे यहाँ चाहिए, मैं एंटर करता हूँ तो ये सब में क्या होगा, हैज एज रेफरेंस आ गया। इनको करेंगे हम कंट्रोल सी से कॉपी तो ऑलरेडी है, क्या करेंगे आप राइट क्लिक करेंगे और 1 2 3 पे पेस्ट एज वैल्यूज, सॉरी ये नहीं हुए, दोबारा देखते हैं। तुम ये कॉपी की हमने, इधर आए और राइट क्लिक करेंगे और 1 2 3, तो देखिए नाम मेरे बहुत इजी यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गए। अब मैं चाहूँ तो इनको बेशक यहाँ से बाद में डिलीट कर दूंगा, मेरा काम तो हो गया जो मुझे करना था, क्योंकि वो तो हमने एज ए हेल्पर यूज करे थे, एक्चुअल काम तो मेरा ये होगा ना, इनका हमें प्रयोग करना था। तो ये हम इस प्रकार से जब हमें कोई डेटा इस प्रकार से कन्वर्ट करना हो, लोअर टू अपर करना हो, अपर टू प्रॉपर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 3 ऐसे केस हैं जो हमारे चेंज को कन्वर्ट करेंगे। लोअर क्या करेगा, टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इन लोअर केस, अपर वाला अपर में कन्वर्ट कर देगा और प्रॉपर वाला प्रॉपर केस, जो हमारा सेंटेंस केस जो ऑलरेडी चलता है जो प्रोफेशनल एक टाइप होता है केस का उसमें। आगे है कनकेटिनेट, टू ज्वाइन मल्टीपल टेक्स्ट इन टू 1। कई बार ये भी हमें समस्या आ जाती है एक्सेल पे काम करते समय कि हमारे पास 2 नाम अलग अलग सेल में दिए हुए हैं, जैसे मान लो फर्स्ट नेम यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम आपके पास यहाँ है इस सेल के अंदर और लास्ट नेम आपको पीछे दिया हुआ है, लास्ट नेम इधर है। आपको बोला गया है कि आप इन नामों को ना जोड़ो एक जगह, इनको क्या है आपको जोड़ना है नामों को, दोनों नामों को आपको इकट्ठा करना है, एक जगह जोड़ना है नामों को, तो फिर कैसे करेंगे आप इनको, तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कनकैटिनेट। मान लो आपको कोई नाम है जैसे राम सिंह और राम सिंह, अब इन दो नाम को मुझे जोड़ना है, एक इकट्ठा नाम बनाना है इनका, इकट्ठा नाम में मुझे इनको कन्वर्ट करना है, एक इकट्ठा नाम में इनको हम जोड़ेंगे इनको। तो हम आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे मुझे इसका नाम चाहिए पूरा, यहाँ इधर नाम ले लेता हूँ इसका, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं नीचे यहाँ इस सेल में ले रहा हूँ, हमें लिखा इक्वल कनकैटिनेट। कनकैटिनेट क्या करता है, ज्वाइन करेगा 2 टेक्स्ट को आपस में, ये सिलेक्ट किया कॉमा लगाएंगे, ये सिलेक्ट कर लिया और एंटर कीजिए। परंतु यहाँ दिक्कत ये आएगी, ये इसमें स्पेस नहीं है बीच में, स्पेस नहीं है बीच में, तो स्पेस वैसे तो आएगा नहीं, क्या करेंगे इसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए या तो इस पर हम डबल क्लिक करें या फिर इसे फंक्शन की F2 क्लिक करें ताकि इसमें एडिट कर पाऊँ। तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए क्या करना होगा, डबल कोटेशन आपको एक बार देना होगा, फिर स्पेस बार दबाएंगे, फिर डबल कोटेशन देना होगा और फिर कॉमा लगाना होगा, क्योंकि जो डबल कोटेशन मैंने डाला है वो हमारा स्पेस है और जो कॉमा लगेंगे वो अलग अलग काम कर रहे हैं। और एंटर कर दो इसको, ये लीजिए आपका जो नाम है वो इस प्रकार से ये एक नाम है जो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कितने भी नाम लिखे हुए हों, और देखना मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे जगदीश मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, जगदीश है मेरे पास, यहाँ पे कपिल है और इधर यहाँ पे सोनू है, इधर मोनू है,
सॉरी लास्ट नेम अलग लिखते हैं, राम सिंह ही कर देता हूँ सभी को, और यहाँ पे तनवर। अब आपको ना बार बार ये फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसको क्या करें एक बार यहाँ से पकड़ के इसे नीचे ही ड्रैग कर दें तो ये अपना अपना सभी को जॉइंट सब जोड़ देगा अपना आप। देखो जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया इसने, ये नाम मेरे यहाँ से जुड़ के रेडी हो गए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका जो कंकेटनेट फंक्शन है वो वर्क करता है, दो नाम को जोड़ने के लिए इसका हम प्राय प्रयोग करते हैं ताकि हमारा एक नाम है वो जुड़ के यहाँ पे आ जाए। जब आपको लगता है आपने जोड़ तो दिए, आपको ये अलग जगह पर चाहिए, तो क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे इनको हम, और वही राइट क्लिक करके क्या करेंगे 1 2 3 पेस्ट पे क्लिक कर देंगे ताकि यहाँ पे जो फार्मूला हमने लगाया है जो हेल्पर लिए थे वो हट जाएं। बस मुझे नाम तो ये चाहिए थे ना वास्तव में, तो ये डेटा है मेरा तो मुझे तो ये चाहिए था, तो यहाँ पे हमने नेम को यहाँ पे ले लेंगे हम इस तरीके से। तो ये बहुत पावरफुल और बहुत ही काम का ऑप्शन होता है हमारा, जब हमें कोई फार्मूला हटाना हो उसको फिर वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमारा क्या चलता है पेस्ट एज वैल्यूज का हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं।